मंदसौर शहर के निवासी सत्यनारायण पिता ओम प्रकाश सैनी बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति चिंताजनक थी। घर चलाने के लिए रुपयों की जरूरत होने पर सत्यनारायण सैनी ने अपने शहर मंदसौर के साथ दूसरे शहरों में भी रोजगार की तलाश की, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा था। सभी ओर से निराशा हाथ लगने के बाद सत्यनारायण के मन में खुद का रेस्टोरेंट शुरू करने का ख्याल आया। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की थी। ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला, पर इसके आगे क्या, तो शिवराज सरकार के अधिकारी यहाँ पर उनके साथ खड़े हुए। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने सारी प्रक्रिया पूरी करवाई तो सत्यनारायण को 3,25,000 रुपए का लोन मंजूर हो गया। पहले मैं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैंने प्रशासन शासन से लोन लिया, प्रधानमंत्री योजना तरह बैंक में गया, वहाँ जाके लोन मिला मुझे। लोन की प्रक्रिया से मैंने रेस्टोरेंट डाला, स्थापित किया और उससे मेरा रोजगार अच्छा चला, व्यवसाय भी बढ़िया हो गया और दूर दूर से लोग आते हैं चाय पानी नाश्ता करने के लिए। सत्यनारायण ने लोन के रुपयों से मंदसौर शहर के कालखेत में रेस्टोरेंट स्थापित किया है और अब रेस्टोरेंट के माध्यम से सत्यनारायण खुद के साथ अपने परिवार का भी गुजर बसर अच्छे से कर पा रहे हैं। साथ ही सत्यनारायण स्वयं आत्मनिर्भर बन 8 से 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 7-8 जन करते हैं, उनका भी मतलब तनख्वाह मिल रही है, उनकी दाल रोटी चल रही है, उनका भी व्यवसाय चल रहा है। आज मैं खुद उनको दे रहा हूँ मतलब ये रोजगार। पहले मेरे खुद रोजगार के लिए भटकता था, आज मेरे रोजगार इतना बढ़िया है कि मैं दूसरों को रोजगार दे पा रहा हूँ और सब बढ़िया काम चल रहा है। और आगे मैं उनको बैंक वालों को प्रशासन वालों प्रधानमंत्री योजना तरह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब हुआ मुझे लोन। सत्यनारायण बताते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, शासन द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत बैंक से लोन लिया और रेस्टोरेंट शुरू किया और अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में शिवराज सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हितग्राहियों को इन योजना का लाभ मिले, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समय समय पर इन योजनाओं की समीक्षा करते हैं और हर जरूरतमंद को मदद मिल सके इसके लिए अधिकारियों को हिदायत देते रहते हैं।